दोस्तों तो आज हम यातायात के साधनों के बारे में बताएंगे कौन कौन से यातायात के साधन होते हैं जैसे जल मार्ग के यातायात के साधन जो हम टिक मार्ग के सॉरी ये मार्ग के यातायात के साधन और थल मार्ग के यातायात के साधन और हवाई मार्ग के यातायात के साधन कौन कौन से होते हैं वो आज हम आपको विस्तारपूर्वक बताएंगे और इसमें ये भी बताएंगे कि कौन कौन से भारत अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग भी बताएंगे और कौन सा एन एस चवाली सबसे भारत का राष्ट्रीय लंबा राजमार्ग है और स्वर्णम चतुर्भुजी योजना के बारे में भी बताएंगे तो आज हम चलते हैं अब हम यातायात के साधनों में ये बताएंगे कौन सा यातायात का साधन स्थल मार्ग पर है स्थल मार्ग के यातायात के साधन होते हैं रे बस सॉरी बस रेल कर कार, ट्रक ये ये सभी यात स्थल यातायात के साधन हैं और वाइक के यातायात के साधन जो वायु मार्ग होता है उसके हेलीकॉप्टर हवाई जहाज वगैरह ये सभी होते हैं और जल के यातायात के साधन नाव जहाज पनडुब्बियाँ ये सब यातायात के साधन होते हैं अब हम विस्तार पूर्वक करके सभी को बताएंगे अब बात करते हैं हम स्थल मार्ग स्थल मार्ग में क्या क्या आता है स्थल मार्ग में हमारे सड़कें रेल मार्ग ये सब स्थल मार्ग में आते हैं और जितने भी एक्सप्रेस वे जो हम अपने मैप में दिखा रहे हैं ये इसमें स्थल मार्ग दिखाए जा रहे हैं भारत में कौन कौन से स्थल मार्ग हैं वो हम दिखा रहे हैं आप जान सकते हैं कि भारत का सबसे लंबा स्थल मार्ग ये है एन एस चवालीस और दूसरा स्वर्णम चतुर्भुज योजना वो ये दिल्ली से कलकत्ता कलकत्ता से चेन्नई चेन्नई से इसमें चेन्नई से मुंबई मुंबई से गुजरात गुजरात से फिर दिल्ली ये स्वर्णम चतुर्भुज योजना है ये भारत को चारों भारत के चारों कोनों को आपस में जोड़ती है ये स्थल मार्ग हैं अब बात करते हैं जो अभी हमने सड़क मार्ग बताए है जो सड़क मार्ग बताए उनमें राष्ट्रीय राजमार्ग जो अब तो नाम चेंज हो गए हैं लेकिन मैं पुराने नामों के नाम से बताता हूँ राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच वन उसका नाम अब एनएच चवालीस हो गया है जो हम अपने मैप में दिखा रहे हैं जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है एन एच चवालीस देखो ये लिखा है एनएच चवालीस तो जो दिल्ली से राष्ट्रीय राजमार्ग सॉरी ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो स्वर्णयम भारत की स्वर्णम चतुर्भुज जो योजना है एन एच वन एन एच सेवन पहले सबसे लंबा जो मैं चवालीस उतारा वो एन एच सेवन है सॉरी गलती हुई और राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से अमृतसर एन एच टू है वो अब दिल्ली से कलकत्ता है वो उसका नाम बदल के एन एच उन्नीस कर दिया है वो देखो ये है नीला वाला ये गलत ये एनएच उन्नीस कर दिया है और इसमें स्वर्णम चतुर्भुज योजना में हमने अभी बता ही दिया है कि दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई प्रमुख चार बड़े शहरों को आपस में स्वर्णम चतुर्भुज योजना जोड़ती है और रेल मार्ग की बात करें जो ये स्थल मार्ग के मार्ग बता रहे हैं हम इस रेल मार्ग की बात करें तो आज मे, रेल मेट्रो और शताब्दी एक्सप्रेस अन्य गाड़ियां हैं जो यातायात की स्थल मार्ग में अहम भूमिका अदा करती हैं अब बात करते हैं समुद्री मार्ग की चलो हम उधर कुछ मैप के द्वारा लिखा हुआ भी दिखाते हैं जो अभी हम बता रहे थे वो अब हम मैप के द्वारा दिखा रहे हैं मुँह से सादा बता रहे थे अब चित्र के माध्यम से आप पढ़ सकते पढ़ सको इसलिए हम इसे दिखा रहे हैं आसानी से पढ़ के इसे समझ सको कि यातायात के, या के साधनों तीन भागों में बांटा गया है थल पर थल परिवहन थल जल परिवहन वायु परिवहन थल परिवहन सड़क मार्ग रेल मार्ग आते हैं अब सड़क मार्ग किस तरह भूमिका अदा करता है आप इसे पढ़ने में तो बहुत टाइम लगेगा सोय आप पढ़ सकते हो इसे आराम से रुक रुक के वीडियो को आराम से आप पढ़ सकते हो और पढ़ के समझ सकते हो मैं शॉर्ट तरीके से छोटे रूप में आपको दिखाई दे रहा हूँ आप आसानी से इन्हें पढ़ सकते हो और समझ सकते हो कि जो सड़क मार्ग है वह क्या भूमिका निभाता है और मार्ग क्या भूमिका निभाता है हमारे यातायात में और देश के विकास में तो ये सड़क मार्ग अभी हम दिखा रहे हैं अब हम जल मार्ग के बारे में बताएंगे अब जल मार्ग के बारे में बताते हैं जल परिवहन एक ऐसा एक अत्यंत सस्ता एवं सुगम साधन है भारत जैसे देश के लिए इसका बहुत ही महत्व है क्योंकि भारत दक्षिण भाग तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है भारत में समुद्र परिवहन या जल परिवहन का प्राचीन काल से ही बहुत महत्व रहा है तो हम इसे पढ़ के पूरा ना सुना के हमें आपको थोड़ा सा दिखाई दे दिखाई दे रहे हैं कि आप पढ़ ले और इससे समझ ले कि जल परिवहन हमारे यातायात देश के विकास में किस तरह सहायक होता है कितने प्रतिवर्ष लगभग कितना माल देश में परिवहन प्रणाली से देश के लिए ढोता है अब बात करते हैं वायु परिवहन वायु परिवहन वायु परिवहन परिवहन एक सबसे बड़ा तीव्रगामी साधन है ये बहुत ही जल्दी तरीका से सामान को पहुंचाने का साधन है जो बहुत समय की बचत करने वाला है और सबसे महंगा साधन है दूरवर्ती दुर्गम बीहड क्षेत्र में जहाँ रेल एवं सड़क परिवहन का विकास नहीं हुआ है वहाँ वायु परिवहन सबसे उपयुक्त तो साधन है हुआ इसलिए प्राकृतिक मानव जन्य आपदाओं और बाढ़ भूकंप महामारी युद्ध में परिवहन की भूमिका बहुत ही अधिक रहती है तो आज हमने वायु परिवहन जल परिवहन और हम इसमें यह भी बता दें कि वायु परिवहन में क्या क्या आता है और समुद्र परिवहन में क्या कहाँ कहाँ से परिवहन होता है समुद्री परिवहन में जो हमने ऊपर बताया वहाँ प्रमुख भारत में के प्रमुख बंदरगाह हैं परिवहन के लिए बम्बई बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह बंदरगाह हल्दिया पारादीप तूतीकोरिन मार्ग आओ कांडला न्यू मंगलोर कोची और विशाखापत्तनम चेन्नई एनोर ये प्रमुख बंदरगाहों के द्वारा समुद्री मार्ग द्वारा यातायात होता है और हम जो हवा वायु मार्ग हमने बताए ये वायु मार्ग बताए इनमें बताएं वायु मार्ग कहाँ कहाँ से होता है कैसे होता है कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होते हैं कुछ घरेलू घरेलू हवाई अड्डे होते हैं जो देश के अंदर ही यातायात का काम करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होते हैं वो नई दिल्ली मुंबई कलकत्ता चेन्नई लखनऊ वाराणसी बंगलोर आदि स्थित हैं वो याता ये यातायात के अंतर्राष्ट्रीय यातायात का काम करते हैं अब बात करते हैं हम कुछ जो नेशनल हाईवे हैं वो कितने प्रकार के होते हैं उनकी भी जानकारी थोड़ी सी आपको बता दें के जो स्थल मार्ग में जो नेशनल हाईवे हैं कौन कौन से होते हैं जो अभी हमने सड़कों के बारे में स्थल मार्ग में बताया तो उनके बारे में थोड़ा और बता दें राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय सड़कें राज्य मार्ग राज्य सड़कें और जिला मार्ग जिला सड़के, सड़के, की सड़कें ग्रामीण सड़कें ये इनमें कई विभिन्न तरीके की सड़कें होती है राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं उन पर केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व होता है केंद्र सरकार उसकी देखरेख करती है कुछ राज्य राज्य मार्ग या राज्य सड़कें होती हैं उनमें राज्य सरकारें उनकी देखरेख करती है जैसे लखनऊ नोएडा एक्सप्रेस वे लखनऊ एक्सप्रेस वे ये राजमार्ग सड़कें हैं ये और बाकी ये जो केंद्रीय सड़कें हैं वो उसकी केंद्र सरकार निगरानी करती है और उसकी देखरेख करती है और राज्य मार्ग राज्य की सड़कें राज्य सरकारें करती हैं जिला मार्ग जिला की सड़कें जिला ऐसी जिल भी कुछ वे होते हैं जिनमें ऐसी सड़कें जिसमें नगर निगम उन सड़कों का निर्माण कराता है वो सड़कें जिला मार्ग सड़कें कहलाती हैं और ग्रामीण सड़कें जो ग्रामीण सड़कें जो बस्तियों के लिए कस्बों के लिए आपस में जोड़ती हैं वो ग्रामीण सड़कें कहलाती हैं तो हमने सड़कों के प्रकार बताए कौन कौन सी सड़कें होती हैं तो अब चलते हैं आगे बताते हैं अभी हमने सड़कों के बारे में बताया तो अब हम इन सड़कों के माध्यम से कौन सा व्यापार होता है उन व्यापार के बारे में भी बताए देते हैं दो तरह के व्यापार होने हैं एक तो देशी व्यापार एक विदेशी व्यापार देशी व्यापार देश के अंतर्गत ही होता है विदेशी व्यापार एक देश से दूसरे देशों के मध्य होता है तो इसमें व्यापार का मतलब होता है वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया को व्यापार कहते हैं व्यापार का मतलब होता है किसी वस्तुओं को खरीदना और दूसरे को बेचना यह व्यापार कहलाता है तो देश के भीतर विभिन्न राज्यों में द्वारा एक दूसरे के सामान को खरीदना और बेचना भी राज्यों के अंतर्गत जो व्यापार आता है व्यापार की सीढ़ी में आता है